हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर जो है इसमें फंक्शंस के बारे में बताया गया है। फंक्शंस बेसिकली है क्या, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। जो फंक्शंस हैं वो ऐसा कुछ काम जो हम करना चाहते हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं जिसे वो ईजिली कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। देखिए अबाउट द फंक्शंस पढ़ रहे हैं। प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज हैं जो कि स्पेसिफिक वैल्यू को लेता है, ठीक है। एक्सेल में ऐसे हंड्रेड ऑफ फंक्शंस होते हैं, पर हमें जो यूज़ करना है वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जिसे कि हम देखेंगे अब। तो फंक्शन का सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मीन्स लिखने का तरीका। सो इक्वल टू साइन आएगा पहले, फिर फंक्शन का नाम आएगा, फिर ब्रैकेट में वो एरिया आएगा जिस पर हमें कैरेक्टर फॉर्मूला है वो लगाना है। फिर आपका आया टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस में पहला दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जाएंगे, फंक्शन लाइब्रेरी में, वहाँ पर फॉर्मूला टैब दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे हमें फंक्शंस ऑलरेडी गिवन है। तो जो हमें करना है वो हमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करने हैं, सारे फंक्शंस हमें करने नहीं हैं। तो फिर आया हाउ टू इंसर्ट द फंक्शंस, ये मैं सिखाऊंगी जब मैं प्रैक्टिकली इसको करूंगी। तो ये कुछ दिखाया है उन्होंने कि कैसे हम फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स डाल के और हम सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो नाउ आई एम यूजिंग द फंक्शंस। तो जो पहला फंक्शन हमारे पास है वो है सम फंक्शन, ये मैथमेटिकल फंक्शंस में। फॉर दैट आई हैव टू स्टार्ट द एक्सेल, तो मैं एक्सेल स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट पे गई, एक्सेल लिखा, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया एक्सेल का। अब मैं इसमें ब्लैंक एक्सेल फाइल लूँगी, ब्लैंक वर्कबुक, इसे मैक्सिमाइज कर लेती हूँ ताकि बड़ा फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब मैं कुछ नंबर्स नोट कर लेती हूँ। मुझे इन नंबर्स का सम करना है। पहले लिखूंगी इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ फंक्शंस वाला सम, अभी फंक्शन स्टार्ट हो रहा है हमारा। फंक्शन में गए हम सम, हमारा फॉर्मूला आ गया, इसमें अपने आप लिखा हुआ आ गया। इक्वल टू से स्टार्ट होता है सब, मेरा फंक्शन है, और A1 से A5 तक के नंबर मुझे प्लस करने हैं। तो A1 और A5 के बीच में क्या लगाया हुआ है मैंने, सेमी कॉलन। मैं इसका साइज बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये मेरा सम आ गया है, इसका साइज इंक्रीज कर दिया है मैंने, और ये देखिए फॉर्मूला ये है। This is the formula of finding the sum, ठीक है। अगला को देखते हैं, उसमें आता है max, फिर है min, फिर है count और फिर है power। हम इन क्वेश्चंस को max, min और count फंक्शंस को power और if इनको यूज करके दिखाएंगे आपको। अगेन वी गो टू एक्सेल, ये सम का फॉर्मूला हो गया। सेम इस तरीके से लिखेंगे, मैं साइज पहले बढ़ा लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि मैं क्या लिख रही हूँ। इक्वल टू मैक्स, फिर ब्रैकेट, मेरा सेल जो शुरू हो रहा है वो A1 से, कोलन, और लास्ट नंबर जो है मेरा A5 में है। इनकी जो नंबर्स है इसके बीच में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है आपकी, 85। तो आंसर आ जाएगा 85। देखिए आ गया 85। सिमिलरली मैं मिन लिखती हूँ, ब्रैकेट A1 कोलन A5। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 15 आ गया, इसमें मैंने साइज इंक्रीज कर दिया इसका फॉर्मेट प्रिंटर से। अब आता है पावर। पावर का नंबर से कोई लिंक नहीं है, हम कहीं भी कर सकते हैं। इक्वल टू पावर ब्रैकेट, और फिर हमें लेना है किसका पावर लेना है, किस नंबर का, लाइक 7 का पावर कॉमा 2। 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, हमने ब्रैकेट बंद किया, तो 7 7 49, आंसर आएगा 49। देखिए 49 आ गया, मैं इसका साइज भी इंक्रीज करती हूँ। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे गए, और फॉर्मेट प्रिंटर से हमने साइज इंक्रीज कर लिया। तो हमने ये सारे फंक्शंस कर लिए।
काउंट रह गया। काउंट मीन मुझे नंबर गिनने की, मेरे पास कितने नंबर हैं, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट फिर वही ए वन कोलन ए फाइव ब्रैकेट बंद। तो कितने नंबर हैं मेरे पास, एक दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर हैं। एंटर किया, माई आंसर इज फाइव। ये गिनेगा खाली बस कि किसमें वैल्यूज नहीं है। अब मान लो यहाँ का नंबर हटा दूँ मैं, 15 को डिलीट कर दूँ, मेरे नंबर कितने रह गए, 4। और मेरा मैक्सिमम भी 85 है पर मिनिमम अब कितना हो गया, 54। पहले 15 था, 15 को मैंने इरेज कर दिया तो ये 54 हो गया। वापस 15 लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम 15 हो जाएगा और काउंट मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आती है हमारी इफ की। अगर मेरे मार्क्स 300 से ज़्यादा है, टोटल मार्क्स है मेरे 288, अगर 300 से ज़्यादा है तो आई एम गुड इन स्टडीज, नहीं तो लिखना है नीड मोर प्रैक्टिस। इफ पहले इक्वल टू लगाएंगे, इसे साइज बड़ा कर लूँ पहले मैं, फिर भी दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। इक्वल टू इफ ब्रैकेट टोटल किस सेल में, मेरा A6 में, A6 ग्रेटर देन 300, तो क्या लिखना है मुझे, गुड, कीप इट अप। नहीं तो क्या लिखूं, नीड्स मोर, मतलब क्या है, जो कंडीशन दी है मैंने, अगर A6 में 300 से ऊपर मार्क्स लिखे हैं तो हम आंसर आएगा गुड, और अगर कम है मार्क्स तो आएगा नीड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि 288 है तो अभी आना चाहिए नीड मोर प्रैक्टिस। मैं एंटर प्रेस करती हूँ, ये आ गया नीड मोर प्रैक्टिस। जहाँ 15 थे मैंने वहाँ पर 78 कर दिया, जिसकी वजह से टोटल इंक्रीज हो गया। अब क्या लिखा हुआ आ गया, गुड कीप इट अप। इसकी वैल्यू जो है इफ़ वाले की वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो कंडीशन दी हमने कंडीशन दी थी कि जो आपका A6 में वैल्यू है वो 300 से कम है या ज़्यादा है। कम है तो नीड मोर प्रैक्टिस आएगा, और ज़्यादा है तो गुड कीप इट अप आएगा, ठीक है। तो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, फिर आया आपका है एवरेज एंड और। हमें इन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है सभी का, जो मैक्स फाइंड किया था मैंने कॉपी पेस्ट मार लिया है। और अब की बार मैंने क्या किया है, इसे ए वन रहने देती हूँ, इसे ए फाइव रहने देती हूँ, और जहाँ मिन लिखा था वहाँ मैं कर देती हूँ एवरेज। मैंने क्या किया है, ऊपर वाले फॉर्मूले को ऐड कर, मतलब कॉपी पेस्ट किया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया, मेरा एवरेज आ गया 870। सबको टोटल किया उसने अपॉन 5 कर दिया, तो मेरा 70 मेरा आंसर है।